हेलो गढ़वा, इस बार फिर मैं आपके बीच गढ़वा की नई कहानी के साथ आया हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको गढ़वा से जुड़ी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी बताई थी। इन सारी जानकारी को देखने के लिए हमारे चैनल गढ़वा दृष्टि पर आएं और इन कहानी के साथ बने रहें। साथ में गढ़वा जिला पर बना यूट्यूब चैनल गढ़वा दृष्टि को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में मैं आपके लिए गढ़वा जिला स्थित गढ़वा शहर की उन सारी मंदिरों का दर्शन कराऊंगा जिसे देखकर आपको खुशी होगी। वे लोग जो गढ़वा से दूर रहते हैं उनके लिए यह वीडियो काफी खास होने वाला है। तो चलिए चलते हैं गढ़वा के उन मंदिरों की ओर। गढ़देवी मंदिर। गढ़वा शहर के बीच स्थापित गढ़वा का प्रसिद्ध गढ़देवी मंदिर, जो गढ़वा वासियों के साथ आसपास के लोगों के लिए भी आस्था का केंद्र बना हुआ है। इस मंदिर में लोग रोज भारी संख्या में दर्शन करने को आते हैं। दशहरा के समय इस मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। नवरात्रि में सप्तमी, अष्टमी, नवमी तीन दिन तक विशाल भंडारा का आयोजन भी किया जाता है। यहाँ की सबसे अनोखी बात यह है कि मूर्ति विसर्जन के समय लोग अपने कंधे पर दुर्गा माँ को लेकर मूर्ति विसर्जन के लिए निकलते हैं, जिसमें हजारों लोगों की भीड़ लगती है। सावन के महीने में मंदिर को सुसज्जित की जाती है। इस बार कोरोना के मद्देनजर सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए दुर्गा पूजा का आयोजन होगा। इस मंदिर में बड़े बड़े राजनेताओं का आना लगा रहता है। राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर क्षेत्र के विधायक भी इस मंदिर में दर्शन करने को आते हैं। यह मंदिर गढ़वा जिला में बहुत प्रसिद्ध है। संकट मोचन मंदिर। गढ़वा शहर में रंका मोड़ स्थित भगवान हनुमान की प्रतिमा स्थापित है। गढ़देवी मंदिर की तरह यह मंदिर भी गढ़वा वासियों के लिए अनोखा है। पूरे सावन महीना तक मंदिर सजा हुआ रहता है। यहाँ सावन के हरेक मंगलवार को श्रद्धालुओं की काफी भीड़ लगती है। काली मंदिर। गढ़वा की हर एक मंदिर अपने खूबियों के साथ अनोखी है। इस मंदिर में मां काली की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर में प्रतिदिन श्रद्धालु दर्शन करने को आते हैं। सावन के महीने में संकट मोचन मंदिर की तरह मां काली की मंदिर को भी सजाया जाता है। नाग पंचमी के दिन यहाँ हजारों की संख्या में अपनी आस्था के साथ श्रद्धालु पहुँचते हैं। विशेष तौर पर दशहरा के दिन गढ़वा के कमलापुरी समुदाय के लोग संध्या में मां काली को नमन करने को आते हैं। जोड़ा मंदिर। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की प्रतिमा स्थापित है। जन्माष्टमी का दिन इस मंदिर के लिए खास है। उस दिन हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने को आते हैं। बिहारी जी मंदिर। इस मंदिर में भगवान कृष्ण राधा की अनोखी प्रतिमा विद्यमान है। यहाँ की जन्माष्टमी गढ़वा वासियों के लिए खास है। जन्माष्टमी के दिन मटका फोड़ने की कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारी भीड़ लगती है। रामलला मंदिर। गढ़वा शहर में सोनपुरवा स्थित है रामलला का सुंदर सा मंदिर। यह मंदिर रामनवमी के लिए बेहद खास है। रामनवमी के दिन इस मंदिर से जुलूस निकाली जाती है। इस मंदिर के पीछे एक छोटी सी कहानी छुपी है, जिसके बाद यहाँ बड़े ही धूमधाम से हर एक साल रामनवमी की जुलूस मनाई जाती है। तो चलिए चलते हैं, इस कहानी को मैं आपके बीच साझा करता हूँ। कुछ साल पहले की बात है, इस मंदिर की मूर्ति चोरी हो गई थी, जिसे चोर ने गढ़वा शहर स्थित बस स्टैंड की नाली में छुपा रखा था। कड़ी छानबीन के बाद चोर तो पकड़ा गया, साथ में भगवान की प्रतिमा भी मिली। मिलने के बाद पुनः भगवान को मंदिर में बड़े ही धूमधाम से स्थापित किया गया। उसके बाद हर एक साल रामनवमी के दिन भगवान को पालकी में बैठा कर भव्य जुलूस निकाला जाता है, जो काफी देखने लायक होता है। जुड़वनिया मंदिर। गढ़वा स्थित दांडो नदी के तट पर स्थित है जुड़वनिया मंदिर। इस मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा है। मंदिर में साल में दो बार शिवरात्रि और मकर संक्रांति में श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। भगवान हनुमान की विशाल प्रतिमा लोगों के लिए काफी लुभावन। शिव ढोड़ा मंदिर। गढ़वा के सोनपुरवा क्षेत्र में स्थापित है भगवान शिव का मंदिर, जिसे स्थानीय लोग शिव ढोड़ा मंदिर के नाम से पुकारते हैं। शिवरात्रि के समय इस मंदिर में काफी भीड़ लगती है। कहा जाता है कि शिवरात्रि के दिन यहां भगवान शिव नाग नागिन के रूप में दर्शन देते हैं। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा कहे गए कहानी का आप आनंद उठाए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो गढ़वा जिला पर आधारित गढ़वा दृष्टि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस तरह के और भी वीडियो हमारे चैनल पर हैं, जिसे आप देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में गढ़वा जिला की नई कहानी के साथ। धन्यवाद।